अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, अब वही केजरीवाल एक कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में जेल में रहेंगे। आज हमारे देश की जो राजनीति हो गई है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तो हम लोग राजनीति में जा रहे हैं। जिन केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चलाकर अपनी पार्टी बना ली, आज अस्तित्व की लड़ाई में वही केजरीवाल कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है। अब ये देश की जनता उनको बताएगी कि जनता का हाथ कांग्रेस के साथ नहीं है, आम आदमी का हाथ अब कांग्रेस के साथ नहीं है। आज इस देश के अंदर जनतंत्र नहीं है। हम चाहते हैं कि सीधे जनता का राज हो, सत्ता सीधे जनता को दी जाए। जब हम लोग ये कहते हैं तो कई लोग खड़े होकर कहते हैं जी सब जनता का तो राज है, चुनाव होते तो हैं 5 साल में। हमारा ये मानना है कि 5 साल में एक बार चुनाव होना, इसको जनतंत्र नहीं कहते, ये जनतंत्र नहीं होता। हर दिन जो निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, वो जनता से पूछ के लिए जाएं, इसको जनतंत्र कहते हैं। ये जो टोपी हम लोगों ने पहनी है, हम कह रहे हैं मैं आम आदमी हूँ, ये हमें याद दिलाती रहेगी कि मैं आम आदमी हूँ, कभी कल को VIP ना बन जाए हम लोग। अगर कुछ आपको मेरे अंदर गलती दिखाई दे तो मुझे तुरंत टोक देना कि जी ये गलत कर रहे हो आप, ये आम आदमी से भटक गया। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी अब वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहेंगे। पिछले दिनों केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। ऐसा आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 ने कुटबंदी को बढ़ावा दिया था और कुछ डीलर को फायदा पहुंचाया था जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। आरोप है कि मामले के आरोपी आबकारी नीति बनाने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश बता रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी खेमे ने 31 मार्च को एक रैली में केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध भी किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ये तस्वीरें काफी चर्चा में रहीं। बात फिर से केजरीवाल की करें तो राजनीति में आने से पहले केजरीवाल ने भारतीय राजस्व सेवा में दिल्ली में इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर काम किया था। बात उनकी पढ़ाई की करें तो केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। सियासत में आने से पहले केजरीवाल की पहचान एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी रही। बात आम आदमी पार्टी के जन्म की करें तो जरा अप्रैल 2011 में चलिए। ये वो वक्त था जब कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र की UPA सरकार के दौरान सामने आए बड़े भ्रष्टाचार घोटालों की पृष्ठभूमि में एक सिविल सोसाइटी आंदोलन का जन्म हुआ। इस दौरान अलग अलग बैकग्राउंड के एक्टिविस्टों का एक ग्रुप जन लोकपाल बिल को लागू करने की मांग करने के लिए एक साथ आया। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर बताया गया है कि मीडिया में होने वाले हर खुलासे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ा और एक ऐसे मजबूत कानून की मांग भी बढ़ी जो भ्रष्ट राजनीतिक सिस्टम से निपट सके। ऐसे में इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी IAC के बैनर तले एक आंदोलन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की अगुवाई में जन लोकपाल बिल के लिए समर्थन जुटाने और लोगों की मांग पर कार्रवाई करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनशन किया गया, जिसका हिस्सा केजरीवाल भी थे। पार्टी के मुताबिक तीसरे और अंतिम अनशन के अंत में IAC के सभी प्रयासों के बावजूद संसद अभी भी जन लोकपाल को पारित करने के करीब नहीं पहुंची थी। पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि लोगों की मांगों पर सहमत होने में सरकार की नाकामी गहराई तक फैले भ्रष्टाचार का नतीजा थी। तभी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में IAC कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने फैसला किया कि इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का एकमात्र तरीका राजनीति में शामिल होना, सरकार में प्रवेश करना और सिस्टम को भीतर से साफ करना है। और इसी तरह साल 2012 में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आज जब आम आदमी पार्टी संकट में है, केजरीवाल समेत उसके बड़े नेता जेल में हैं, तब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का चेहरा प्रमुखता से दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में उनके ये बयान काफी चर्चा में रहे हैं। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है, आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। आपके
केजरीवाल शेर है शेर, ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसे हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कभी कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत माँ के संघर्ष के लिए भेजा है। कुल मिलाकर फिलहाल आम आदमी पार्टी की कोशिश यही दिख रही है कि वो सुनीता केजरीवाल के चेहरे को आगे करे और जनता के बीच एक तरह की सिंपैथी हासिल करे, जिसका फायदा पार्टी को मिले।